फूल तो खिल के दो चार दिन में मुरझा जाएंगे, फूल तो खिल के दो चार दिन में मुरझा जाएंगे, हसरत इन गुंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। जो घर नहीं जाते हैं कि उनका समाज, उनका परिवार और उनका गांव के जो लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें थी, जो उम्मीदों के साथ आए थे, वो वापस जाकर क्या जवाब देंगे? वो अमूर्त चीज़ों पर होता है, जैसे हमारी आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी, राम मंदिर बनवाएंगे, कश्मीर को भारत में मिलाएंगे, इन सब से हमारे पेट और रोजगार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी बात हुई कि बार परीक्षा कर ले, चार साल, दो साल, तीन साल बाद रिजल्ट दीजिए, वो लड़का घुट घुट के मरता, उसका परिवार घुट घुट के मरता। सर सर बहुत यहाँ पर स्थिति दयनीय हो चुकी है इलाहाबाद में। कोई भर्ती हो रही तो उसमें धांधली हो जा रही, पेपर आउट हो जा रहा, आरक्षण खा जा रहे। तो यहाँ पे ये जो आपका हॉस्टल है, इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? लगभग 2-4-500 इससे ज़्यादा IAS और राज्य सरकार की और जो भर्तियाँ जो होती हैं PCS और तमाम जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनके बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद के पंत हॉस्टल में, जो 1958 में स्थापित हुआ और उसके बाद से भारत को लगातार IAS, IPS और सिविल सर्विसेज के बड़े बड़े अधिकारी देने के लिए इस हॉस्टल का नाम प्रसिद्ध है। ये सरकार चलाती है और यहाँ के जो छात्र हैं, जो अभी यहाँ तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से UPSC सिविल सर्विसेज और बाकी सरकारी एग्ज़ाम्स की, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें तैयारी के समय में मिलती है। साथ में ये भी जानेंगे कि राजनीतिक मुद्दों पे वो अपनी क्या विचार रखते हैं और कौन सी सरकार को ये अच्छा मानते हैं बेरोज़गारों और रोज़गार के भविष्य के लिए, जानते हैं आज इन्हीं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र पाल है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। सिविल सर्विसेज जी। तो कैसा माहौल है, किस तरीके से यहाँ दिन गुजरता है आप? सर, इस संस्थान की परिस्थितियों पर एक शेर याद आता है। बताइए बताइए। फूल तो खिल के दो चार दिन में मुरझा जाएंगे, फूल तो खिल के दो चार दिन में मुरझा जाएंगे, हसरत इन गुंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। क्या बात है, ताली बजाओ। मुरझाने का क्या कारण है? जी, इनको इनकी उम्र के हिसाब से सही समय पे नौकरियां न आना और लेट लतीफ़ी 2019 की भर्ती 2024 में क्लियर होना, इनके समय इनकी जवानी को बर्बाद कर रहा है। और भगवान बुद्ध जी के नीचे हम लोग बैठे हैं, इनका एक ही दर्शन था, एक ही सत्य है दुनिया में परिवर्तन। इस समय हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो आप लोग जितने लोग हो, आपका एज ग्रुप क्या होगा, अंदाजन किस उम्र से किस उम्र तक के हो आप लोग? 25 से 30। 25 से 35 के बीच के हो? यही है, रेंज है। कितनी कितनी सालों से तैयारी कर रहे हो? 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से। 5-5 साल से। हाँ। सबसे ज्यादा समय किसे हुआ है तैयारी करते हुए? सबसे ज्यादा कई हमारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा लड़कों को समय हुआ, भर्ती नहीं आ रही, पेपर लीक हो रहा, कोई भर्ती 5-5, 7-7 साल में हो रही। तो ये सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, ये सरकार को हम लोग हटाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के समर्थन में। तो यहाँ पे ये जो आपका हॉस्टल है, इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? इसमें जो एडमिशन होता है वो एकेडमिक रहता है और प्लस इंटरव्यू होता है और एक एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद जो है इसका प्रोसेस होता है। और जैसा कि देखिए 1958 में यहाँ ये मतलब हॉस्टल स्थापित किया गया था, ये वंचित गरीब जो तबका है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये हॉस्टल, मतलब बेसिकली जो छात्र पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर की प्रतिभा है, SC ST OBC, और ये सरकार के द्वारा इसको मतलब कि मिलता था फंड। और उसके बाद जो है हुआ क्या कि हाँ, इस पर लगभग 2-4-500 इससे ज़्यादा IAS और राज्य सरकार की और जो भर्तियाँ जो होती हैं PCS और तमाम जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनके बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सरकार ने इसको अनदेखा किया, इसकी उपेक्षा की और
जो फंड मिलते थे उसको पूरी तरह से बंद करके यहाँ के जो नौजवान हैं, जो वाकई जिनके अंदर टैलेंट है, उनके साथ एक साजिश करने का काम किया है। और आज ये हालात है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आज क्या नाम आपका? हमारा नाम विकास यादव है। तो जो पहले सरकार थी कांग्रेस की उस समय और इस समय जो बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या फर्क आया दोनों में सुविधाओं के हिसाब से? देखिए आप बताइए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल यादव। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? कब से आईएसपीसीएस तैयारी करता हूँ। कितना समय हो गया? 5 साल। 5 साल। हाँ। तो आप बताइए कि क्या फर्क आया सुविधाओं में? फैसिलिटीज ने 2013 से बीजेपी गवर्नमेंट आई, तुरंत सारी पॉलिसीज को ब्रेक करा। जो भी पॉलिसी चल रही थी कांग्रेस की, वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, सारा ब्रेक करा। और कुछ नहीं कर रहा, केवल प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, बड़े बड़े इवेंटबाजी कर रहे हैं, देश दुनिया को इवेंट से ये लोग जीतना चाहते हैं। कोई ग्राउंड में कोई इनका काम नहीं है, केवल बातें करते हैं और बड़े बड़े इवेंट करते हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और पिछड़ों के लिए दलित और बीकर सेक्शन जो इंडिया को मजबूत करता है, वो बोन बैक है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। स्पेसिफिक इस हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ सुविधाओं में कौन सा फर्क है, वो जानना चाह रहा हूं। सुविधाएं सारी बंद हो गई। फंड करोड़ों रुपए आता था यहाँ लड़कों के रहने के लिए और मैच के लिए, प्रॉपर कोचिंग के लिए, और जो यहाँ पे स्टाफ है उसको वेतन के लिए। एक रुपए इन्होंने नहीं दिया इस हॉस्टल के लिए, ब्रेक कर दिया तुरंत। लड़के अपने सेल्फ फाइनेंस से फीस जमा करके रहते हैं, ना तो मैच चलती है, ना तो क्लासेस चलती है, केवल केवल अपने बलबूते लोग पढ़ते हैं। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग इस समय ख़त्म करना चाहते हैं, और कांग्रेस राहुल गांधी इंडिया की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, जो यूथ, दलितों, पिछड़ों और सारे बीकर सेक्शन की आवाज़ के साथ और फंड देने के साथ काम करेंगे। तो पहले यहाँ पे कोई कोचिंग लगती थी आप लोगों की? कोचिंग चलती थी यहाँ पे, अब नहीं चलती। अब नहीं चलती, अब सेल्फ है, सारा सेल्फ है। ये फ़र्क आया कुल मिला के। और बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, जो वो लोग बिल वगैरह लेके आते हैं, उनमें से किस किस से आपको आपत्ति है? कोई बीजेपी सरकार की नीतियां ही नहीं है, ना तो यूथ के लिए नीति है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई फंड नहीं है, मिनिस्ट्रीज में कोई फंड ही नहीं है। सारा फंड वो प्रोपेगेंडा में क्रिएट करते हैं, इवेंटबाजी करने में, करोड़ों रुपए का इवेंट करते हैं, कोई फंड नहीं है किसी मिनिस्ट्री में। वो अमूर्त चीज़ों पर होता है, जैसे हमारी आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी, राम मंदिर बनवाएंगे, कश्मीर को भारत में मिलाएंगे, इन सब से हमारे पेट और रोजगार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दिखने वाली चीज़, मूर्त चीज़ें ये नहीं करते, इनका काम केवल भावना भड़का के वोट लेना होता है। राहुल गांधी 30 लाख नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया जो 6 महीने देंगे, और बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की, जितने ग्रेजुएट हैं और या डिप्लोमा होल्डर हैं सबको 1 साल की 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग प्लस 8,500 महीने सैलरी मिलेगी। और गरीबों के लिए खटाखट 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 आप जानते ही हैं। आप भाई भैया संपर्क करिए पीछे, जिनकी दाढ़ी पक गई कहाँ है। आपके पास भेजा गया। क्या नाम है? मेरा नाम राघविंद्र सिंह यादव है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ सब लोग तैयारी करने ही वाले हैं, और खास तौर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल के लिए, UPSC। हाँ, कितने समय से यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल जी। क्या फ़र्क नज़र आता है कांग्रेस के बाद बीजेपी में? फर्क कुछ है ही नहीं, बस ये बस बोलते रहते हैं और पेपर में बस निकलाते रहेंगे कि भाई ये वैकेंसी आई, वो वैकेंसी आई। घर वाले भी कहेंगे कि इसमें वैकेंसी तो दिखा रहा है लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। वो स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई हैं कि पता चले कि पेपर कराते हैं, उसको लीक करा देते हैं, और लीक कराने के बाद फिर लड़कों को वहाँ पर धरना देना पड़ता है आयोग के सामने, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। उसके बाद जब कैंसिल का कुछ होता है, वो कैंसिल होकर फिर 3-3 साल निकाल देते आयोग के पेपर के लिए। यहाँ पे देखो, BEO की भर्ती आई थी, आज से 5 साल हो रहे, 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कोरोना में पेपर कराया था, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं, GIC वैकेंसी नहीं, LT वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। बस यहाँ पर बस केवल भक्तिमय माहौल बना के कोई भी मुद्दे की बात ना करना, अपने हिसाब से बस किस तरीके से जनता को अपने रुख में मोड़ना है, बस वही करेंगे और कुछ नहीं करते। तो आप लोग क्या चाहते हो कि किन मुद्दों पे राजनीति हो? ये सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा कि किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। कोशिश करना सब लोग अलग अलग बताएं, मतलब जितने हो सके उतने अलग अलग मुद्दे बताएं। तो आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर।
आप भी तैयारी कर रहे हो? जी जी। कितना समय हुआ हमको? 2007 साल। 2007 से तैयारी कर रहे हो? 7 साल। जी जी। तो आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए? अरे मुद्दा क्या, सब देख रहे हैं, रोजगार पे होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। अब रोजगार चाय बेचने वाला नहीं कर रहे हैं कि चाय बेचने वाले पाओ, चाहे वो समोसा छानने वाला पाओ, उसके लिए भी तो ट्रेनिंग की सुविधा देना चाहिए मोदी जी को। उसके लिए भी नहीं कोई सुविधा है कि हम लोग कम से कम चाय ही बेचने, चाहे बनाने आए, चाहे ये जो पकौड़ा तलने की बात है, पकौड़ा भी तलने में तो कला होना चाहिए, उसकी भी सुविधा नहीं है। तो रोजगार की तो बात ही खत्म कर दीजिए। किस तरीके का रोजगार चाहते हैं फिर? अरे जैसे जो अभी भर्तियाँ होती थी पहले प्रॉपर हर जगह, वैसे भर्तियाँ कराएँ, जो टीजीटी पीजीटी कराते हैं, लोअर की वैकेंसी वहाँ ना दे करके यहाँ दें। जो पीसीएस वाले लड़के जो छटते हैं, कम से कम लोअर में हो जाते थे, 1600-1700 पद आता था 2016 तक, अब कहाँ कुछ आ रहा है, नहीं आते कुछ, कुछ नहीं आता है। लोअर ओवर दे दिए वहाँ पर, लोअर का ऐसी वैकेंसी दे दिए, जो सी लड़का है कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। जो पीसीएस तैयारी करता है वो लोअर की कभी वैकेंसी को फॉलो ही कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह वहाँ जहाँ लोअर होता है वहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ के जो अच्छे लड़के हैं पढ़ने वाले वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। आपका क्या नाम है? अमित यादव। अमित यादव, आप भी यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं? आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए रोजगार से अलग? शिक्षा भी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा को एकदम बर्बाद करके रख दिया, फीस बढ़ा दी हॉस्टलों की, यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ा दी है। पहले क्या होता था कि लोग जो गरीब रहते थे, अब पढ़ाई उनकी रहती थी, क्योंकि उनको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत नाम मात्र की फीस देनी पड़ती थी JNU वगैरह में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में नाम मात्र की फीस लगती थी। अब इन्होंने शिक्षा में आप ये चाहते हो कि थोड़ी आर्थिक सहूलियत बढ़ती जाए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। UK जैसे देश हैं कि इतना बढ़िया डेवलप हैं, इतना अमीर देश हैं, लेकिन वो भी शिक्षा पे अपना विशेष ध्यान देते हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, वहाँ की भी शिक्षा फ्री है और यहाँ पे राशन फ्री कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा को फ्री करना चाहिए, स्वास्थ्य को फ्री करना चाहिए, लेकिन राशन फ्री कर रहे हैं 5 किलो केवल बोर्ड लेने के लिए केवल। तो मतलब लोगों को बस अपाहिज बना रहे हैं एक तरीके से, मानसिक रूप से, बस आप 5 किलो पर डिपेंड हो जाइए, आप शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? शशिकांत। आप भी UPSC PCS? तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए रोजगार और शिक्षा में आर्थिक सहूलियत के? जैसा कि भैया बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एकदम नहीं काम किया, एकदम यानी ये शून्य के बराबर ही है। दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। महंगाई बताइए, जो स्टूडेंट है घर से कितना खर्चा लेके आए, जो है अब यहाँ 2000-4000 में कुछ नहीं होता भाई। अब ये है कि सरकार जो है एकदम बेरोजगारी चरम सीमा बढ़ा दी है। महंगाई तो जानते हैं कि महंगाई भाई कितना है। पहले जो है सिलेंडर को ले लीजिए, सिलेंडर जो 400 रुपये मिलता था, अब जो सिलेंडर 1000 रुपये मिलता है, जो 1100-1200 रुपये हो गया। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है इसमें, ये सरकार जो जुमलाबाजी, बस फेंको जितना फेंकना है फेंक लो, और सरकार कुछ नहीं काम करती है। ये सरकार बस ये कहती है कि हम इतना नौकरी दे दिए, इतना नौकरी दे दें। हम पूछ रहे हैं कि कहाँ आप किस सर्विस को, मतलब किन बच्चों को आप नौकरी दे दिए? अगर जो बच्चे को नौकरी दिए हैं तो वो बच्चे बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतना बड़ा है कि आने वाले समय में देखते हैं, ये बोलते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। कहाँ रोजगार दे दिए भाई आप रोजगार दिए तो ये बंदे, इतने सब भाई बंधु जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोग को तो भाई रोजगार मिलता। वो लोग फख्र से कहते हैं कि भाई हम रोजगार लिए हैं। अगर रोजगार नहीं लिए तो भाई क्या बात है? हम इस सरकार से एकदम नाखुश हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, एकदम परेशान है। आपका क्या नाम है? सुशील यादव सर। आप भी UPSC PCS की तैयारी कर रहे हो, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए जो बाकी लोगों ने बताया उनसे कुछ अलग? जो शिक्षा विभाग है सर, शिक्षा विभाग जैसे OBC SC का पहले छात्रवृत्ति पे एडमिशन होता था, इस समय BJP गवर्नमेंट जब से आई उनकी छात्रवृत्ति रोक कर उनको पैसा देना पड़ता है, महंगाई के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से। और अलग बता दिया, वो आर्थिक सहूलियत शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा जैसे अपना जो एजुकेशन से रिलेटेड जैसे किताबें हैं, इन सब पे GST लगा दिए तो बहुत महंगाई हो गई। अब जैसे ये जो मतलब SC के लिए जो हॉस्टल हैं, कोई बजट नहीं आ रहा, तो क्या जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़ ही नहीं पा रहा? कोई भर्ती हो रही तो उसमें धांधली हो जा रही, पेपर आउट हो जा रहा, आरक्षण खा जा रहे, भर्ती 5-5 साल लटकी रह रही। अभी भी OBC का चल रहा 69,000 वाला मैटर, अभी कुछ उसका हुआ नहीं। OBC का संवैधानिक आरक्षण ही खा गए। जो हम टीचिंग नहीं देते, लेकिन जो भाई लोग देते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 27% रिजर्वेशन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इतनी
निर्लज्ज और नालायक और निकम्मी है कि 27% रिजर्वेशन कोटे खा गए, उसको जनरल सीट करके भर दिए। पुलिस का पेपर आउट कर। इतिहास की पहली ऐसी सरकार है जो 100% पूरी झूठ पे बनी है और पूरी झूठ पे चल रही है। आज देखिए, आज विश्वविद्यालयों की फीस 400 गुना बढ़ा दी गई है। इनको ये चाहिए कि फीस को कम किया जाए, जिससे जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़े। तो ये चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं, वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाए और वो अंधभक्त बन जाए, इसलिए ये 400 गुना फीस वृद्धि कर दिए हैं। और जो छात्रवृत्ति मिलता था उसको भी ये पूरी तरह से बंद करने का काम किए हैं। आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो घरवालों का भी एक दबाव आता होगा, घरवाले भी बोलते होंगे, तो किस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं घरवालों से? देखिए यहाँ पर समाज, हाँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे सीनियर व्यक्ति हैं जो घर नहीं जाते हैं कि उनका समाज, उनका परिवार और उनका गांव के जो लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें थी, जो उम्मीदों के साथ आए थे, वो वापस जाकर क्या जवाब देंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि वो अपने घर वालों को, वो लोगों को कैसे फेस करेंगे। इस वजह से वो आज भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई भी वैकेंसी क्लियर हो और उसमें वो एक खुशखबरी लेके घर जाएं। लेकिन अभी तक इस सरकार बिल्कुल असफल रही है इस मुद्दे पे। और सर 25 से 35 के बीच हैं तो आपको यहाँ शादीशुदा शायद कोई एक मिलेगा। अभी तक बेचारे सब लोग जो है इस इंतजार में हैं कि ये सरकार एक नौकरी दे दे और वो जाए घर और अच्छे से शादी करके अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन आज गैर नौकरी शादी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई समाज पूछने वाला नहीं है। आप चाहे जितना टैलेंटेड रहिए, आपके अंदर जितना ज्ञान रहे, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। और सक्सेस इसलिए नहीं है कि उनके अंदर प्रतिभा की कमी है, सक्सेस इसलिए नहीं है कि सरकार की मंशा ही नहीं है। और सर पिताजी अब पैसा देना बंद कर देते हैं, कहते हैं तुमको तो दे रहे हैं, जो तुम्हारी माई आएंगी उनको भी कैसे हम देंगे, उनको पालेंगे। तो इसलिए सर उधर यहाँ घर से कितना खर्चा आता है? जैसे सर जिसकी जैसी क्षमता 4,000, 3,000, 5,000 मिनिमम खर्च में सब लोग जीवन यापन करते हैं, कम से कम में। इतनी महंगाई, आप लोग जो फैमिली वाले भी जानते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं कि युवाओं का कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। जो युवा 25 साल का था, 10 साल इनकी गवर्नमेंट से 35 साल हो गया, अगर 5 साल फिर आए तो ये लोग 40 साल कर देंगे। युवाओं का पूरा भविष्य जो इनका संघर्ष का है और जो इनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता था 25 से 35 की उम्र में, 10 साल में ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरा खा गया। युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही खा गए। सब बैठा ले हैं बायस्ड लोगों को, वो लोग सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करते हैं और बाकी सब बजट खाए जा रहे हैं। इतनी धांधली, इतनी धांधली। कौन से हो कुछ लोग, थोड़ा जी? कौन से हो कुछ लोग? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, केवल अपने लोगों के लिए वो काम करते हैं, बाहर के लोगों के लिए काम, बाहर के लोगों के लिए। वो लोग पूंजीपतियों के, सरकार जो है इस समय पूंजीपतियों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और उन्हीं का जो है वो पक्ष ले रही है, उन्हीं का जो है लोन माफ़ कर रही है, किसानों का कर्ज नहीं माफ़ कर रही है, जो है उन्हीं का लोन माफ़ कर रही है। तो महंगाई जो है इतना बढ़ा दी है, इसी वजह से जो महंगाई बढ़ गई है, इसी वजह से हम लोग को जो है दिक्कत हो रही है। यहाँ पर रहने में जो खर्चा आता है वो पहले 2,000 में हो जाता था, अब 4,000 हो गया, फिर 6,000 हो गया, अब 6,000 रुपये में पूरा खर्चा चल रहा है। तो महंगाई इस, तो हर कोई जो है वीकर सेक्शन का लड़का जो है यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। किसान परिवार से ज़्यादातर उनके एमएसपी नहीं मिल रही है। और सर ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ होती थी, समस्या एक थोड़ी है, यूपी में जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती थी, जो बहुत सारे जो है कैंडिडेट यहाँ पे देते थे, अभी उसको जो है यहाँ का आयोग, अधीनस्थ आयोग है, वो जो है एक पेट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम कराने लगा है। अब उसके थ्रू जो है एग्ज़ाम करा के वो लोग नौकरी देने में बोले कि हम जल्दी करेंगे, दोबारा मेंस कराएंगे तो कम बच्चे होंगे, छटनी करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके थ्रू सर ऐसा कर दिए हैं कि 2021 में पेट शुरू हुआ था, अभी तक एक भी वैकेंसी जो है उसकी क्लियर नहीं हो पाई है और उसको पूरा बर्बाद करके रख दिए हैं। उसमें 20 गुना लड़के जो है क्वालिफाई कराते हैं, जब कोई सीट आती है उसमें 20 गुना लड़कों को क्वालिफाई कराते हैं, तो उसमें जो है वही ऊपर के लड़के ही जो है क्वालिफाई होते हैं और वही बार बार हर फॉर्म भरते हैं और नीचे के लड़के जो है उसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिससे उनकी जो है दिक्कत हो जाती है। मतलब वो जो है वो सोचते हैं कि हम क्वालिफाई ही नहीं हैं, हमारे में वो टैलेंट ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर पाए। खुद पे शक होने लग जाता है। इस प्रकार से उनको अंधेरे में रखा जा रहा है, नौकरी ना देने की क्या साजिश है, ये साजिश है, सोचिए कितनी बड़ी फॉल्ट है। लेकिन गवर्नमेंट इसको समझ नहीं रही है और एक एक एग्जाम करा लेगी, एक साल में अगर आपने स्कोर नहीं किया तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब खामियां हैं सरकार की। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है चेंज हो
और चेंज कर देंगे और हम क्या लग रहा है इस बार होगी चेंज? इस बार पूरा एकदम लग रहा है सर कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर चेंज नहीं हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन इसलिए सारी जनता जो है मन बना ली है इस बार कि चेंज करना है, और बिना चेंज किए नहीं। हम लोग सिलेंडर सर पहले 400 में भराते थे, अब इस समय सर 900, 1100, 1200, चुनाव के चक्कर में इन्होंने 800 किया है, और अभी 1200 रुपये सिलेंडर था। सोचिए हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को तो गैस भराना ही तो पड़ेगा। यहाँ पे मेस की व्यवस्था नहीं है, मेस की व्यवस्था बंद हो गई है सर, फंड रिलीज नहीं, मेस भी बंद हो, हाँ सब कुछ बंद हो गया 2013 से सर, सब बंद है क्योंकि यहाँ पे फंड ही नहीं रिलीज हो रहा है। गवर्नमेंट कमरा दे रखा है फिलहाल देखा जाए तो रहने के लिए, गवर्नमेंट इस पर सर ध्यान ही नहीं दे रही है, एकदम से ध्यान नहीं दे रही है कि मतलब यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीकर सेक्शन के लड़के रहते हैं, इसलिए इस पे जो है बात ही नहीं होती है, इस पे कोई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है और फंड ही नहीं रिलीज हो रहा है। ऐसे ही हर कोचिंगों का हाल। आपका क्या नाम? अजय कुमार यादव। सुना आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो? सर हम तो हुए 10 साल। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई। नहीं अभी ये तो आपके साथ ही लोग तो बोल रहे हैं शादी होती नहीं बिना नौकरी के। नहीं नहीं अपवाद स्वरूप, मतलब जैसे कुछ लोग अपवाद स्वरूप इसमें सही है, ये लोग सही बोल रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों की शादी नहीं हुई है, लेकिन हमारी हो गई है तो उसकी भी तो परेशानी है। मतलब जैसे नौकरी नहीं मिलेगी तब तो एक फैमिली और बढ़ गई ना, तो दोनों को मतलब झेलना एक अलग तरह की बात हो जाती है। दूसरी बात, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे जीवन यापन करेगा? अब यहाँ पर देखिए इलाहाबाद का सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। सही बात यह है कि जब हम लोग 2009 में आए थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय 2 रुपये में चाय पीते थे, 1 रुपये में चाय मिलती थी, आज वही चाय 10 रुपये से कम की नहीं है, और हम लोगों को जो पहले मिलता था वही पैसे मिल रहा है, कैसे चलेगा सर? और दूसरी बात है कि जब हम ये बता, कोई आय का सोर्स है आपका इसके यहाँ कुछ काम करते हो? कोई स्रोत नहीं है, मतलब यहाँ पर एक रहने के लिए केवल वो मिल गया है, और वो भी हम लोग फंडिंग करते हैं, सरकार इसमें कुछ बजट दे नहीं रही, जब से इनकी कांग्रेसी गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो बजट आता था, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई इस पर ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि SC ST का है, OBC का है, इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। दूसरी बात सर, एक बात हम ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पेपर लीक वाला जो मामला है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे हम लोग परीक्षा होती है, बड़े मन से हम लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा देते, पेपर लीक हो जाता है, उसी तरह से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव बड़े धूमधाम से कराया जाए, सब कुछ किया जाए, और उनकी 4 तारीख को काउंटिंग होने जा रही है, 2 तारीख को घोषित कर दिया जाए कि आपका लोकसभा चुनाव लीक हो गया है, अब नहीं कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इनको संशय में डाल दिया जाए, एकदम रोक दिया जाए, कुछ दिन को बताया ना जाए, तब जनप्रतिनिधियों को पता चलेगा कि कैसे पेपर लीक करने का क्या मजा होता है। यहाँ लड़का परीक्षा देने के बाद छात्र और युवा जिस दर्द से गुजर रहे, वो दर्द उनको भी समझ में आए कि रिजल्ट, मतलब एक बार परीक्षा कराने के बाद कितने समय रिजल्ट देना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि एक बार परीक्षा कर ले, 4 साल 2 साल 3 साल बाद रिजल्ट दीजिए, वो लड़का घुट घुट के मरता, उसका परिवार घुट घुट के मरता। सर बहुत यहाँ पर स्थिति दयनीय हो चुकी इलाहाबाद में। और जब आपका घर कहाँ? यहीं इलाहाबाद में? नहीं सर, हम आजमगढ़ के रहने वाले। आजमगढ़ के? तो जब घर जाना होता है तो किस तरीके से जाते हो? सर घर जाना होता तो अब उसको हम तो ऑनलाइन बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग सर विदाउट टिकट जाते हैं, पैसा नहीं रहता कैसे क्या करेंगे, जाना पड़ता मजदूरी, कभी कभी पकड़ भी लिए जाते हैं, तो ये सब सारी समस्याएं हैं सर, जिस पे सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। नहीं, जब घर वाले पूछते हैं कि इतना समय हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पर क्या पूछते हैं सर क्या करें? उनको भी पता हो गया ना कि एक बार बड़ी मुश्किल से कोई विज्ञापन आया, परीक्षा कराई, उसमें परीक्षा इतनी जल्दी होती नहीं है, आया तो 1 साल तो ऐसे प्रक्रिया चली जाएगी, चल रहा, फिर इसके बाद परीक्षा करा भी ली गई, तो फिर पता चला उसका रिजल्ट आना 1 साल 1.5 साल 2 साल वैसे बीत गया, फिर पता चला कि बीच में कुछ हुआ, तो फिर इसमें DB के नाम पे 1 साल ले लेते हैं कि हम DB करा रहे हैं। अरे सर DB की क्या बात हुई, 200-400 कैंडिडेट होते हैं, उसमें DB कराने की 1 साल क्या मतलब है? ये सब सारी प्रक्रियाएं सर बहुत अनियमितता, इस सरकार में बहुत अनियमितता हो गई है। इलाहाबाद में जब हम चट्टी चौराहे बैठते हैं चाय पीते हैं तो हर जगह ये कही, अब जात पात इलाहाबाद के लड़कों में नहीं रह गई, सब लोग मन बना लिए कि सरकार को हटाइए, हम जनरल के लड़कों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं, वो बेरोजगारी की जात, बेरोजगारी के द्वंद से गुजर रहे हैं, सब यही चाह रहे हैं कि सरकार बदले, हम अच्छे अच्छे लोग बदले, अच्छे बेरोजगार जो भाजपा ही हैं उनके घर के लड़के कह रहे हैं कि सर आओ, ये भी कह रहे हैं इस बार हम जाएंगे तो बेरोजगार रोजगारी के मतलब मुद्दे पर हम जो है अपना नौकरी के नाम पर जो है BJP उसको क्या बोलते हैं गठबंधन कोटिंग करेंगे, इंडिया गठबंधन कोटिंग करेंगे, BJP को हराएंगे, ये जनरल वालों की बात हम बता रहे हैं। जनरल वालों का जी बस ठीक है। एक सवाल ये भी है कि जैसे BJP की सरकार तो 2014 में आई, उससे पहले यहाँ 2008 तक मेरे ख्याल से IAS IPS जो अधिकारियों ज्यादा निकले, 8 के बाद तादाद कुछ स्तर पे कम होती गई, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि BJP सरकार पे आप लोग आरोप लगा रहे हो, तो वो सरकार तो 2014 में आई, 8 से 14 के बीच का जो समय रहा, एजुकेशन पे इन्होंने काम नहीं किया। पहले क्वालिटी एजुकेशन होती थी, इतनी क्लासेस चलती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सारी क्लासेस
सक्सेसफुल होती थी, लड़के खिड़कियों के बाहर खड़े होकर क्लास लेते थे प्रोफेसर्स की। जब से बीजेपी गवर्नमेंट है एजुकेशन सिस्टम को एकदम खराब करके रख दिया है, कोई क्लासें नहीं चलती, सब नेतागिरी में मस्त हैं, एक से एक वाइस चांसलर बना देते हैं, वो सब तानाशाही रवैया है, प्रोफेसर सब एक से एक पदों में बैठे हैं, सब तानाशाही रवैया। बीजेपी सरकार तो 14 में आई ना, हाँ, तो उससे 8 से 14 के बीच का जो समय, उसमें स्तर कैसे गिरा आईएएस और आईपीएस की संख्या? हिंदी मीडियम का इशू था कि हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन होने लगा और इंग्लिश मीडियम का ज्यादा वहाँ पे होने लगा, दिल्ली से सिलेक्शन होता था उसके बाद भी संख्या कम हो गया था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से यहाँ सुविधाओं में कटौती की गई, तब से संख्या बिल्कुल शून्य हो गया है। और बीजेपी के बाद शून्य हो गया, उस समय जो बीच में कमी आई, उस कमी का ही कारण पूछ रहा हूँ, सीटों का कारण रहा उस समय जो एजुकेशनल सिस्टम में जो बदलाव हुए थे, तो जो हाँ सीसेट और भी तमाम जो चीज़ें थी, उस वजह से जो हिंदी पट्टी के विद्यार्थी थे उनको थोड़ा समस्याएं हुई, वो समझ नहीं पाए थे, इस वजह से थोड़ी संख्या में कमी हुई। सर, लड़के दिल्ली शिफ्ट करने लग गए थे बीच में, वो मतलब सिलेक्शन बढ़ गया था वहाँ से, सिलेक्शन यहाँ से भी लोग शिफ्ट हो जाते। आप क्या कारण मानते हैं इसको? शिक्षा पर हम कारण मानते हैं कि बीजेपी सरकार जो सबसे भ्रष्ट सरकार है, जितने आरएसएस के लोग हैं सब रखे जाते हैं, यहाँ ओबीसी एसटी वालों को नहीं रखा जाता है, उनको मेरिट से छाड़ दिया जाता है, इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है, यही सब कारण है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है एससी ओबीसी वालों को। आप क्या कारण मानते हैं? सर, कारण तमाम हैं और मेन बात है कि बीजेपी का जो मोटो है वो शिक्षा से लोगों को वंचित करना है। आप जब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को मांग नहीं पाएंगे, आप राम रहीम में ही लड़ते रह जाएंगे, हाँ झंडा उठाएंगे राम का रहीम का, बस यही सब है। और जो कि मतलब हम लोगों को जो एससी और ओबीसी कास्ट के लोग हैं, इनको शिक्षा से बिल्कुल नदारत करना चाहते हैं, यही सब मेन मुद्दा है। और जो इस समय महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कोई बात, कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं कर रही है सरकार, केवल अन्य मुद्दों पे भटका रही है सरकार। और जैसे कि मतलब है कि तमाम चीज़ें हैं, इस समय इलेक्शन हो रहा है, राहुल गांधी ने मोदी को खुली चुनौती दी है कि आप हमसे डिबेट करिए, लेकिन मोदी जी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि हम उनसे डिबेट नहीं कर पाएंगे, और महंगाई पर बिल्कुल नहीं डिबेट कर पाएंगे, किसी मुद्दे पर डिबेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोगों को भटकाया जा रहा है और उनको अपने मत से भटकाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, यही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे सर, जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी सरकार आरोप लगाती है कि 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं की है, और कांग्रेस 70 साल में गवर्नमेंट 2014 तक जो है महंगाई जो है जितना थी, और आज जो है जो महंगाई का जो हालात है इस समय सीधा डबल हो गया है। कोई भी चीज़ आप खरीद के देखिए, 2014 में जो हम लोग खरीदते थे उसका जस्ट डबल इस समय पे कर रहे हैं, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और इस जो महंगाई कंट्रोल करके रखी थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो जो है अब बीजेपी जो है एकदम से उसको मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, और एकदम से पेट्रोल डीजल और जो भी सारी चीज़ें हैं सब इतना महंगा कर दी। एक मोटरसाइकिल जो है ख़रीदना होती था पहले 50-60 हज़ार रुपये में आ जाती थी, इस समय 1 लाख रुपए के ऊपर आ रही है। और भी जैसे सिलेंडर हम लोग 450 रुपए में भरवाते थे, इस समय सर 1200 रुपए सिलेंडर हो गया है, चुनाव के चक्कर में इन्होंने कम किया है 100-200 रुपए। तो मतलब महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और ये भी कहते हैं कि हम जो है कि हमने कांग्रेस गवर्नमेंट ने 70 साल में कुछ नहीं किया, और जो है स्मृति ईरानी जो है कहती हैं कि भाई जब महंगाई सिलेंडर इतना महंगा हुआ था तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी धरने पे, इस समय वो महंगाई का मैं नहीं बोल पा रही हैं, बताइए उनका नाम ही सिलेंडर वाली मैडम हो गया है, लेकिन बताइए ये सब बात ही नहीं कर रहे हैं। और पूरी बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, और किसी पे भी बात नहीं करना चाहती है, जो असल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दों के चुनाव लड़ना जाना चाहिए उस पर तो वो बात ही नहीं कर रही है। जो बात कर रही है वो बस केवल मंदिर पर बात कर रही है, आतंकवाद पर बात कर रही है, मुसलमान पर बात कर रही है, पाकिस्तान पर बात कर रही है, बस इसी सब चीज़ों पर बात कर रही है। वो जो बीजेपी का पुराना जो बीजेपी का अभी का कार्यकाल है और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल था, दोनों में क्या फर्क देखते हैं, दोनों की नीतियों में क्या फर्क देखते हैं आप? बीजेपी का जो कार्यकाल है और कांग्रेस का जो कार्यकाल है, कांग्रेस जो है
देश जब से आज़ाद हुआ है तब से जो है हमारा देश जो है कुछ हमारे देश में बनता नहीं था पहले, ठीक है, वो जो है बनाने का काम किया है IIM और ये सब जो IIT ये सब जो है कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। इन्होंने जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी और कुछ भी स्टेबल नहीं किया है नया, जो भी था सब। अभी लखनऊ में जो है मेट्रो जो है बना है वो भी जो है अखिलेश यादव की देन थी जो है, उसको जो है बनाया लखनऊ में जाते हैं मुंसिपुलिया तक है, एक स्टेशन नया नहीं बढ़ा पाए हैं ये लोग 7 साल में बाबा की गवर्नमेंट होने के बाद भी। ये लोग कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, ये लोग जो 5 किलो अनाज बांटते हैं गरीबों को, राइट टू फूड कांग्रेस का लाया हुआ है, आधार DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं कांग्रेस का लाया हुआ, क्या किया इन्होंने, पॉलिसीज बताएं अपनी सर। दोनों में अंतर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, और इनका 2019 का जो दोनों एक्ट आया उसको ख़त्म करने का एक तरह से काम है कि वो सरकार के काबू में रहेगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ये CIC, ये दोनों के बीच अंतर है कि वो जनता की मूलभूत चीज़ों को पूरा करने की कांग्रेस की मंशा रहती है और इनकी मंशा रहती है कि अमूर्त चीज़ों पर बातें हो, उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जाए जिससे चंदे के बदले धंधा मिले। 18 लाख करोड़ इन्होंने माफ़ किया 22 उद्योगपतियों का, 18 लाख करोड़, ये इतनी बड़ी गिनती है लोग कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। के बाद नील जो आता है, इतनी बड़ी गिनती है, 60 खरब बनता है, 18 लाख करोड़ माफ करा, गिनती पूरी हो जाती है, किसानों का एक नहीं माफ करा। जो ये सरकार कहती है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार बताए कि इन्हीं की सरकार में कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया है, उसके बाद वो विदेश तक भाग गए, किसके किसके संरक्षण में वो विदेश भागे? BJP वॉशिंग मशीन लेके चलती है, जो भी करप्ट मिलता है उसको उसमें डालती है, सफ़ेद करके निकाल लेती है, सफ़ेद पोस्ट बना के, ऐसा काम है इसका। करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, बातें इनकी बहुत कॉरपोरेट रहेंगी और बहकाने वाली, और काम इनका डिफरेंट है पूरा, कोई ज़मीन पे काम नहीं, आसमान में हवा में बातें करते हैं लोग। अभी जो BHU में जो है छात्रा के साथ रेप हुआ था, उसके जो है जो रेप करने वाले थे वो जो है BJP के ही IIT सेल के ही लड़के थे, जो कि उनके साथ फ़ोटो भी वायरल हुई थी MP में, तो बताइए, और उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, बताइए वो न्याय कैसे मिलेगा? और न्याय की बात महिलाओं की बात करते हैं BJP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो ये सब केवल बातें ही करती है, उसका जो है एम्प्लॉय वो दिखता नहीं है कि वो कुछ कर रही है उसके क्षेत्र में, तो ये सब जो है बहुत फेलियर है सरकार। हाँ, लेबर सेक्शन, ये सब फेलियर है, फेलियर आया उसके कोरोना के बाद, और यही सब दिक्कतें हैं सर, जो है बहुत सारी ज़्यादातर दिक्कतें इसी से BJP गवर्नमेंट से सबको है। अब इस बार सब लोग ने मन बनाया है कि जो है सरकार को बदलना है, जब सरकार बदलेगी तभी कुछ देश का विकास हो पाएगा और देश वो एक नई दिशा में बढ़ पाएगा। ये लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और इतना जो है गरीबी आ गई है देश में कि हर कोई जो है बेरोजगार घूम रहा है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और जो है सरकार जो है इस पर कुछ बातचीत भी नहीं कर रही है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, जो कि अब सरकारी नौकरियां जब प्राइवेट कर देंगे तो सब एडॉप बेस पे हो जाएंगी, जिससे जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है पैदा हो रही हैं। जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आने वाले समय में, एक तरीके से देखा जाए तो सरकारी नौकरी तो एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएंगी, तो उस समय क्या करेगा युवा? उस समय क्या करेगा? अंबानी अडानी की फैक्ट्रियों में काम करेगा डेली बेसिस पे, वो जब चाहेंगे, कोई लॉज नहीं है, कोई कंपनी लॉ नहीं है उनके लिए, जब चाहेंगे डेली बेसिस पे रखेंगे निकाल देंगे, सब कॉरपोरेट करते जा रहे हैं। PSU जितनी गवर्नमेंट जॉब देती थी सारी PSU बेच दिया इन्होंने कॉरपोरेट घरानों को, एक PSU में लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो सारी कांग्रेस की बनाई हुई PSU हैं, पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेज, सबको बेच दिया इन्होंने, सब कॉरपोरेट करते जा रहे हैं। इतना बड़ा एग्रीकल्चर हमारा लैंड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उसको ये लोग अडानी को बेच रहे थे 3 कानून लाके। इतना बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने, कितने किसानों के शहीद हो गए उस अपनी खेती बचाने के लिए, तब जाके ये लोग 3 कानून को वापस करा है, नहीं तो सारा एग्रीकल्चर लैंड अडानी को बेचे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं, जो जीवन यापन करता है हमारा छोटे खेतिहर
मिडिल खेतियर, उनको सब ये कॉरपोरेट करना चाहते हैं। ये है बीजेपी की पॉलिसीज, आम आदमियों की पॉलिसीज नहीं है इनके लिए। केवल कॉरपोरेट घरानों को हम कैसे मजबूत करें, और सबसे बड़ा ब्लंडर तो हमारा आज का मीडिया करा रहा है। मीडिया से क्या समझते हैं? मीडिया से इतनी बड़ी समस्या, दिन भर उसी के गुणगान गाते हैं, उसकी एक ही बात नहीं करते, सिर्फ दिन भर गुणगान, दिन भर गुणगान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीडिया जो है सवाल ही नहीं पूछती है आजकल, मीडिया एकदम, मीडिया भी दबाव, मीडिया भी दबाव में काम करते हैं। जैसे रायबरेली में थोड़ा दिखाया अमित शाह की रैली में, उसको गोली मार दी गई। मेन रीजन ये है कि जैसे हम लोग सब किसान वर्ग से आते, ठीक, तो सरकार ने जैसे डीजल हुआ आपका, खाद हुआ, बीज हुआ, इतनी महंगाई कर दी कि जैसे 600 की बोरी 1200 में दे रहा है, 50 किलो खाद मिलता था 45 किलो मिल रहा, ठीक। जब किसान पैदावारी करता है तो जब किसान के पास जैसे आलू बोया, जब किसान के पास पैदा हो गया तो सरकार उसको खरीदती 5 रुपये किलो। तो आज आप आलू देख लीजिए, जब किसान के पास नहीं बचता तो वो किसान ही को 40 रुपये में वापस बेचती, इधर से मतलब थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया, उधर से खींच लिया। सरकार बस ये जुमले वाली सरकार है, जुमले वाली सरकार। तो ये थे पंथ हॉस्टल के युवा, जो लोग यूपीएससी पीसीएस इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी पदों पर नियुक्त हो सकें, लेकिन फिलहाल की जो सरकार है उनके कारण इनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अभी इन लोगों ने हमें बताया, जो इनका जीवन यहाँ पे गुजर रहा है उस सब के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आदर्श चौधरी, साथ में कैमरामैन आदर्श यादव।